नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम चर्चा करें इस क्लास की, अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो इसमें हम सभी जो पढ़ेंगे वह तीन पार्ट पर बात करेंगे, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा, अधिगम अक्षमता पर। अगर हम चर्चा कर लें दोस्त, अगर प्राइमरी और जूनियर को दोनों को परिपेक्ष में रखते हुए, या CDP की क्लास है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अगर हम बात करें तो एक प्रश्न आप सभी के पेपर में आने वाले हैं। अधिक समावेशी शिक्षा की बात करें तो कम से कम आप सभी के तीन प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक प्रश्न आपके अधिगम अक्षमता से होगा। तो टोटल इस वीडियो से अगर हम बात कर ले, या जो प्रश्न आपकी श्रृंखलाएँ होंगी 30 प्रश्नों की, इससे अगर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्त, तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। कितने? 5 नंबर। तो 5 नंबर बेहद महत्वपूर्ण, आप जानते हैं एक एक नंबर आप सभी के क्वालिफाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है दोस्त, और सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। तो पहला प्रश्न के लिए ध्यानपूर्वक देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपके सामने प्रश्न है और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम चर्चा करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? करा संकल्पनात्मक समझ पर, या करा गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, रटकर सीखने पर, या परीक्षाओं के लिए सीखने पर? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर अगर हम चर्चा करते हैं साथी, तो करा संकल्पनात्मक समझ में सही है कि भाई साहब जो शिक्षा दी जाए, जो अधिगम बच्चों को कराया जाए, जो पढ़ाने की व्यवस्था हो, वह संकल्पनात्मक समझ में हो। एक तरीके से जो ज्ञान हो बच्चे का, वह कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो, और इस प्रकार से ज्ञान देंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे, उनका विकास होगा, आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए दोस्त ऑप्शन संख्या आपका ए बनेगा। गैर संदर्भित विषय वस्तु, अगर दोस्त हम बात करें किसी व्यक्ति को गैर संदर्भित पढ़ाएंगे तो आपके लिए कभी महत्वपूर्ण होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए नई शिक्षा नीति भी ऐसा नहीं, आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं करता है, यह भी गलत बनेगा। रटकर सीखना तो अपने आप CNCF का विरोध ही है। परीक्षाओं के लिए सीखना, तो आप जानते हैं परीक्षाओं के लिए सीखना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आप परीक्षा पास करने के बाद कभी आप जब जीवन में आपकी इच्छाएं कहीं आपको अच्छा करना होता तो आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्त आपका पहले का जो बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देता है? कर पाठचर्या का लचीलापन, कर कि भाई साहब जो करिकुलम हो वह फ्लेक्सिबिलिटी हो इसमें, जी एकदम सही होना चाहिए। कर पाठचर्या का मानकीकरण, करा कि आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए क्या? तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं विरोध है, और ऐसी बात पाठचर्या का लचीलापन होता है, गलत बनेगा। पाठ्य पुस्तकों को गैर संदर्भीकरण, अगर दोस्त पाठ्य पुस्तक जो बने वह गैर संदर्भीकरण, मतलब बच्चे के जिस एज का बच्चा है, जिस क्लास का बच्चा है, उससे इतर बने, तो कभी हेल्पफुल होगा? कभी नहीं होगा। यह भी भाई नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों को रटकर सीखना अपने आप से गलत है, NCF इसका विरोध ही करता है। राइट ऑप्शन आपका पूरी तरीके से ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी जो होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम का एक फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, और इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड नंबर के लिए दोस्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा? जो अभिभावकों को रिपोर्ट कर देखिए दोस्त, अगर बात करें नई शिक्षा नीति, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो कहा गया कि बच्चे को जो बच्चे का हम आकलन करते हुए, जो टीचर क्या करेगा, जो अभिभावक जब आएगा तो उसको एक रिपोर्ट कार्ड देगा। रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रगति कार्ड, या इसे बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव जो कार्ड की बात करें, जो प्रोग्रेसिव कार्ड है उसका प्रगति क्लास है, उसका प्रोग्रेस जो कार्ड होगा वह कैसा होगा, वह 360 डिग्री पर आधारित होगा। और 360 डिग्री क्या कहता है, जैसे बच्चे के संज्ञानात्मक, बच्चे के भावात्मक, बच्चे के मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन करते हुए यह रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा कि मानक संदर्भित परीक्षण का आधारित हो, तो दोस्त कभी नहीं ऐसा कहेगा कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा बच्चे को, आप बच्चे के गार्जियन को, अभिभावक को, वह रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो मानक निर्देश संदर्भित नहीं होगा, गलत है। मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित, तो मापदंड परीक्षण पर नहीं, वह अगर लचीलापन संदर्भित हो, लचीला संबंध होता, लचीला संदर्भित परीक्षण पर आधारित तो सही हो जाता है। यहाँ पर मानक अपने आप से मापदंड, ये सारी चीज़ गलत है।
विद्यार्थियों के प्रदर्शन और उसके सहपाठियों से तुलना। तो दोस्तों आप जानते हैं तुलना कभी नहीं करके हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्योंकि अगर ऐसा देंगे तो व्यक्ति भिन्नता का हनन। तो हमको व्यक्ति भिन्नता को बताना, क्योंकि हर बच्चे में व्यक्ति भिन्नताएं हैं, और इसीलिए दोस्त आपका यह भी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन का विद्यार्थियों के प्रगति को विशिष्टता को प्रबिंबित करे, कि बच्चे में क्या विशिष्ट है, बच्चे में क्या स्पेसिफिक है, उसको एक तरीके से प्रतिबिंबित करे, दिखाए कि बच्चे में यह स्पेसिफिक है, भाई साहब आपका बच्चा क्या इसमें स्पेशल है, और इसी का जो है प्रगति कार्ड दिया जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन। फोर्थ नंबर प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों, कह रहा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए, कि पाठ्यचर्या जो करिकुलम हो और पेडागॉजी कैसा होना चाहिए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। अगर आप बात करें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और एक प्रश्न निश्चित है आपके पेपर में देखने को मिलेगा, कर परीक्षाओं पर केंद्रित होकर, तो परीक्षाओं पर केंद्रित होने की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो कभी नहीं बनेगा। परीक्षाओं पर केंद्रित होना अपने आप से क्या है, गलत है, ऐसा एनईपी नहीं कहता है। पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित होना यह भी नहीं कहता है। तो वह कहता है भाई साहब पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए, बच्चे को संलग्न और संदर्भित हो, ऐसा होना चाहिए। कैसा हो, बच्चे के संदर्भित हो, और उसमें संलग्नता बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए फोर्थ का आपका सी ऑप्शन बनेगा। मानकीकृत और एक रूपी, तो मानकीकृत एक रूपी कभी नहीं होगा दोस्तों। मानकीकृत एक रूपी से क्या होगा, हनन होगा, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता है और ऐसा करना आपके लिए निरर्थक बनेगा। फोर्थ का ऑप्शन संख्या सी बनेगा राइट आंसर। फिफ्थ नंबर प्रश्न पर हम चलेंगे, फिफ्थ नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखिए दोस्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और किस प्रकार और के एक समावेश को प्रस्तावित करती है, कर समूह कार्य स्व आकलन, कर परियोजना मानकीकृत परीक्षण, कर मानकीकृत परीक्षण पोर्टफोलियो, या फिर कर मानक निर्देशित मापदंड निर्देशित परीक्षा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यह कहता है कि मूल्यांकन के लिए कैसा होना चाहिए, समूह कार्य और कैसा होना चाहिए, और अगर बात करें और स्व आकलन को समावेशित करते हुए, स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करना चाहिए, और इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। परियोजना हो सकता है, लेकिन मानकीकृत परीक्षा अपने आप से क्या है, निगेटिव है, नहीं बनेगा। मानकीकृत परीक्षा अपने आप से निगेटिव है, पोर्टफोलियो बन सकता है। मानकीकृत निर्देशन गलत है, मानक निर्देशित यह भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर। अगर हम सिक्स प्रश्न पर चलेंगे दोस्त, प्रश्न संख्या सिक्स नंबर, इसी आप देखिए और बताने का प्रयास करेंगे कि आपका करेक्ट बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर, परीक्षा के लिए पढ़ना, या फिर अपना स्मरण आधारित शिक्षा, या विधान और अभ्यास, या संप्रति समझ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यह परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बात नहीं करता है, कि आप संप्रति ज्ञान स्थापित कीजिए, आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगा तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, आपको परीक्षा की टेंशन छोड़ दीजिए। परीक्षा नहीं, स्मरण आधारित शिक्षा कभी नहीं, क्योंकि एनसीएफ इसका विरोध करता है, स्मरण की कभी नहीं बनेगा। वेदन और अभ्यास नहीं बनेगा, तो संप्रति समझ, और संप्रति समझ होगा तो क्या आप दोस्त कभी आप पेपर में पास नहीं होंगे, एकदम हो जाएंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो पेपर में कुछ भी क्वेश्चन बनाए, किसी भी अगर बनाएगा तो एकदम आराम से कर जाएंगे आप। तो छठवें का ऑप्शन संख्या डी बनेगा। सेवंथ नंबर के लिए दोस्त कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, कारण विद्यालय की पाठ्यचर्या का विषय वस्तु में कटौती, कारण विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, कर रटंत अधिगम को महत्व देना, या फिर कर विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। करा ऑप्शन में करा सेकंड और फोर्थ, बी में करा सेकंड और थर्ड, सी में करा दोस्त फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और डी में करा दोस्तों सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर होगा, क्या आपका करेक्ट आंसर होगा, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, तो विद्यालय के पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती एकदम सही है, कि भाई साहब बहुत ज़्यादा जो विषय वस्तु है, सिलेबस है, बच्चे बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। भाई बहुत बड़ा आप कर देंगे तो बच्चे समझेगा कब, उसे तो ऐसा भी मौका होना चाहिए जो आप कॉन्सेप्ट जो आपकी सिलेबस में चैप्टर दे रहे हो वह कभी ना कभी बच्चा समझे, तो उसके खाली टाइम तो मिले, तो उसे अब दिन भर उसी में लगा रहेगा तो फिर समझेगा कब।
तो इसलिए दोस्त कह रहा है विषय वस्तु में कटौती बढ़ोती नहीं, मतलब उसमें ज्यादा जितना हो सके बच्चे में कम रखें, बहुत ज्यादा नहीं, जितना बच्चे के ज्ञान के लिए पर्याप्त हो बस उतना रखने का प्रयास करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट सही है, विषय वस्तु के पाठचर्या में लचीलापन या भी वह कहता है। दोस्तों अगर बात करें रटन अधिगम, अधिगम को महत्व देना कभी नहीं कहेगा, या ऑप्शन संख्या सी आपका गलत बनेगा। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना एकदम सही है। तो आपका दोस्त पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 पर हम चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? क्रम आकलन के लिए अंतर्निहित जो है सिद्धांत क्या होना चाहिए ऐसा आपसे पूछ रहा है। क्रम मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। क्रम केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। क्रम सभी विद्यार्थियों के लिए उनका उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, या विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर 20 बात की जाए, आकलन की अपन चर्चा करें, तो आकलन का चर्चा कहता है कि भाई साहब बच्चे के हम आकलन करने का उद्देश्य होगा बच्चे की कमियों को पहचाने, बच्चे में क्या दिक्कतें हैं उसकी सहायता करना, उसका हेल्प करना, और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा उसी का हम क्या है एक अंग है, उसी का एक भाग है, ना कि हम उसका कोई इतर भाग है। तो ऐसा कुछ नहीं, और उसमें हमको सिर्फ हेल्प करना है, बच्चा जहाँ फंस रहा सहायता देनी है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बन रहा है तो हमारा वो ऑप्शन वही राइट होगा। मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण, तो रटने के लिए जो है आकलन का नहीं किया जाता कि भाई आप कितना रट्टा मारे हैं थोड़ा सा आपका आकलन कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं बनता है, ये ऑप्शन गलत होगा। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, करें केवल विषय वस्तु के लिए केवल, तो ऐसा भी नहीं बनेगा दोस्त, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। करें सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना एकदम सही है, सभी जो विद्यार्थियों के लिए जो उनके सीखने और विकास के अनुकूलन करने की बात एकदम करता है, डी ऑप्शन में करा दोस्तों करा कि सेवल आपको मैंने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीनों पक्षों का जो आकलन करने की बात करता है, जैसे बच्चे के संज्ञानात्मक, बच्चे के भावात्मक, बच्चे के मनोगत्यात्मक, इसमें सिर्फ दिया है केवल बच्चे के संज्ञानात्मक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत तो होगा ही। तो राइट ऑप्शन आपका 8 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 9th नंबर का हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 CNEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इसमें से गलत होगा और 3 इसमें से राइट होंगे। अच्छा जो गलत है वही हमें ढूंढना है। तो कह रहे NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विविध प्रकार के विधियों और योजना जैसे समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव करती है, एकदम सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा बात करता है कि भाई साहब जो बच्चों की विविध योजनाओं का हम क्या करेंगे समूह कार्य का भूमिका निर्वहन करने की बात करता है, तो यह तो पॉजिटिव है, लेकिन दोस्त हमें निगेटिव ढूंढना है। तो NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन करना, तो दोस्तों यह गलत लिखा गया, रचनात्मक से योगात्मक की बात नहीं करता है, योगात्मक से रचनात्मक करता है। कैसे योगात्मक से रचनात्मक की तरफ करता है कि भाई साहब फॉर्मेटिव की तरफ चलना है, न कि आपका फॉर्मेटिव से समेटिव तरफ, तो समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ मतलब योगात्मक से रचनात्मकता की तरफ, तो उल्टा यही लिखा गया था। जब उल्टा लिखा गया था तो यही तो हमारा राइट होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा था, जो गलत सेंटेंस होगा। सी में कहा कि NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन, समूह आकलन प्रोत्साहित करना है, तो आप जानते ही हैं दोस्त। NEP प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के जो उन्नति पत्र होगा, जो बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड होगा, वह तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये सभी कार्डों पर मतलब तीनों पक्षों पर आधारित होगा। तो इसका मतलब थर्ड सी भी सही है, डी भी सही और पहला भी सही, लेकिन गलत था बी ऑप्शन। तो गलत जब था तो वही हमारा राइट बनेगा। 12 नंबर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अच्छा जो NEP के थ्रू करा कि क्या कैसा अधिगम होना चाहिए, देखते हैं कैसा होना चाहिए। करा कि विषय वस्तु अभिमुख, क्या विषय वस्तु पर अभिमुख होना चाहिए, या पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या प्रयोगात्मक होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए। दोस्तों अधिगम की अगर हम बात करें तो वह कैसे की बात करता है, कहता है प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसा प्रयोगात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। अधिगम कैसा, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या सी।
इस तरीके से दोस्त एनईपी से बात करें तो आप सभी के सामने 10 प्रश्नों की श्रृंखला एनईपी से संबंधित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से था, और इन प्रश्नों से बात करें इसी प्रकार के प्रश्न आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, सीखना है, समझ कर जाना है, और एक प्रश्न आपके प्राइमरी में, जूनियर में, दोनों पेपर में अगर बात करें तो एक एक प्रश्न आएंगे। तो अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा की अगर बात करें तो कम से कम 3 प्रश्न आप सभी के देखने को मिलते हैं समावेशी से। तो निम्नलिखित में से हम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, आंसर आप सभी देने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देगा? क्या छात्रों का शारीरिक दंड, क्या हम बच्चे के शारीरिक दंड देंगे, बच्चों को कूटेंगे, उसका पनिशमेंट देंगे बच्चे को, तो क्या सही बढ़ेगा? नहीं भाई, शारीरिक दंड अपने आप से RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, बच्चे का कहता है कि अगर बच्चे को मारपीट नहीं, बच्चे को कभी नहीं मारना है, अगर मारेंगे तो आप चले जाएंगे। कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, नहीं भैया। कर विविधता का सम्मान, एकदम सही है, समावेशी का मतलब ही होता है विविधता का सम्मान करना, मानकीकृत पाठ्यक्रम गलत होगा। तो बच्चे की जो विविधताएं हैं, बच्चे की विविधता को हमें सम्मान करना है, और सम्मान करते हुए सबके बच्चों को, समान और विशिष्ट बच्चों को एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाना है। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? जो उसमें बच्चे में रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो उसमें विविधता है, उसका सम्मान करना। आगे दोस्त बात करेंगे 12 नंबर के लिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, सफल समावेशन के लिए क्या बचना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपसे एक निगेटिव है, वही निगेटिव पूछ रहा है। विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए मौके देना, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों प्रदान करना, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, या फिर दोस्त आपसे कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनके रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना, तो कौन से इसमें से बचना चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इसमें से निगेटिव है, वही हमें निगेटिव देखना है। तो कह रहा विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, तो या तो पॉजिटिव में आएगा, विद्यार्थियों के शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियाँ प्रदान करना, ठीक है, बच्चे के जो शैक्षणिक संवर्धन है, बच्चे में जो शैक्षणिक कार्य है उसमें संवर्धन करना, कहीं ना बढ़ोतरी करने की, वृद्धि करने की बात, एक्टिविटीज में बढ़ाना करने की बात सही कहता है। कहना कि अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, तो दोस्तों बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, ना कि अध्यापक केंद्रित, भाई टीचर थोड़ी ना पढ़ने आए, बच्चा पढ़ने आया है, तो बालक के हिसाब से वह सिलेबस होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, और यही आपका राइट है, क्योंकि हमसे पूछ रहा था बचना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मतलब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कर उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब वह विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख रहा हो, जब उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो कह रहा है कि उस वक्त बचना चाहिए जब चेहरा ना देख रहा हो। एकदम सही भाई, जब हम किसी के सामने, अगर हम आप किसी के सामने बैठा कोई व्यक्ति, अगर आपको या हमको सुनाई नहीं देता है और मेरे सामने कोई बोल रहा है, तो जब हम हमारा फेस और उसका फेस सामने होगा तभी तो हम बातों को समझ पाएंगे, नहीं तो हम सुनाई जब नहीं दे रहा तो हम क्या समझ पाएंगे भाई, वह उसका फेस। तो कभी कभी आप फेसों की से तरीके से पता चल जाता है क्या वह कहने का प्रयास कर रहा है, तो सीधा सा मतलब है ऑप्शन संख्या ए आपका राइट बनेगा। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, बचना चाहिए जब उसका चेहरा, विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पा रहा हो पाए। सांकेतिक भाषा को प्रोत्साहित करना, तो दोस्तों जब उससे सुनाई नहीं दे रहा तो हत प्रोत्साहित तो करना है, ना कि हतोत्साहित, तो या इसका मतलब गलत लिखा है हतोत्साहित से। सहायक तकनीक का इस्तेमाल से बचना, भाई कहीं ना कहीं कड़े यंत्र या कहीं ना कहीं कान में लगाने वाली मशीन जरूरत पड़ेगी, करे उससे भी बचना चाहिए, गलत लिखा गया है। डी में लिखा है जानकारी प्रक्रम के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, भाई साहब जब उसे सुनाई कम देता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, सीधा सा मतलब है, तो इसलिए आपका कारण नहीं देना चाहिए, इसका भी क्या है गलत है। राइट आंसर 13 का पहला। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 14 नंबर की जांच कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र का अगम इमारत या अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम? तो दोस्तों कह रहा है इसमें से क्या आपका समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो लचीला पाठ शिक्षा, लचीला शिक्षा शास्त्र एकदम जरूरी है। अगम इमारत नहीं, अगम इमारत कोई जो एक तरीके से अनम इमारत जो है कठिन होगा, अनम इमारत एक कठोरता बड़ा कह रहा कि अनम मानसिकता नहीं, और मानकीकृत पाठ्यक्रम यह भी गलत होगा दोस्तों। तो समावेशी के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, फ्लेक्सिबल जो है पेडागोगी होनी चाहिए, ऐसी बात एनईपी में भी कही जाती है,
ऐसा समावेशी में क्या आ जाता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे NCF हो, चाहे RD हो, सब में जो है लचीला शिष्टाचार की बात करता है। प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए करें, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन व वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा। तो वंचित हीन और कह रहा कि भाई साहब सुविधाहीन बच्चों की बात कर रहा है, तो कौन सा इसमें से सहायता करेगा, विविधता को महत्व देना। सही है, तो भाई साहब जो उनकी विविधताएं हैं, जब सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसमें जो बच्चे बैठे हैं तो उनका सम्मान हमें करना है, विविधता का उनका सम्मान करना चाहिए और ऐसा मदद करेगा ऑप्शन संख्या है। कह रहे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, क्या बच्चे जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा तो उसे बच्चे को हम गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, नहीं। कह रहा दोस्त सी ऑप्शन में प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, कह रहा किसी एक की ओर फोकस करते हुए वह शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, भाई ऐसी बात कभी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी गलत है। कह रहा मानकीकृत परीक्षण, एकदम दोस्त मानकीकृत परीक्षण कभी नहीं, स्टैंडर्ड जो है जो एक टेस्ट की बात नहीं करेगा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन संख्या ए बनेगा, 15 का ए ऑप्शन। 16 नंबर के लिए, शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है, समावेशन का तात्पर्य क्या है। कला छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है, कला छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, कला व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, कला विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं। तो समावेशन का तात्पर्य क्या है, यही आपसे पूछ रहा है, समावेशन का तात्पर्य क्या होगा। समावेशन का तात्पर्य अगर हम दोस्त पूछें कहीं आपसे, तो एक तरीके से आप समझिए कि जो सामान्य बच्चा चाहे विशिष्ट बच्चा, विशिष्ट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बच्चा है, दृष्टिबाधित है, अस्थिबाधित बालक है, श्रवणबाधित बालक है, सक्रिय बालक बालक है, जैसे उसमें से मूढ़ बालक हो गया, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक हो गया, चोरी करने वाला बच्चा हो गया, जिसमें से आप कह सकते हैं एक तरीके से आप कई प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जो आपके विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपके सृजनात्मक बालक हो गए, ये सभी विशिष्ट हैं। तो कह रहा है कि समावेशन का मतलब होगा कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को एक साथ बैठाना है और एक ही जो है सभी बच्चों को शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके और सभी को एक साथ पढ़ाने की बात करता है, ठीक है। उनकी विविधता, उनके जो उनमें विविधता, जैसे जब बच्चा श्रवणवादी तो विविधता तो है ही, सामान्य बच्चा तो सही रहेगा, तो जब विविधताएं हैं तो सबको एक साथ बैठाने की बात और समावेशी शिक्षा, क्योंकि बच्चे में हीनता की भावना आए, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे लगेगा यार उस बच्चे को अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जैसे अलग अलग होगा तो कभी लगेगा अगर हम कहीं अलग बैठाएंगे तो जो अगले बच्चा है वह सोचेगा यार हम इसमें बैठते हैं, वह किसी उस दूसरे क्लास में बैठता, क्यों बैठता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं विचार भी उसके बदलेंगे और विचार जब बदलेंगे तो एक समाज में दूरियां खाई एक पैदा करेंगे और इसीलिए समावेशी शिक्षा का माध्यम बनता है। उनके छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से, क्षमता के आधार पर नहीं, जब क्षमता के आधार पर देने लगेंगे तो फिर समावेशी शिक्षा का हनन होगा, वर्गीकरण होगा, गलत है दोस्तों। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन, तो मांग के हिसाब से समायोजन एक तरीके से वर्गीकरण करने की बात, अलग करने की बात करना है, तो व्यक्तिगत जो है भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यही समावेशन का मतलब होता है, ऑप्शन संख्या सी। तो दिव्यांग छात्र अलग से विशेष विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दिव्यांग छात्र उसी क्लास में बैठेंगे चाहे साथ ही साथ पढ़ेंगे, तो ऐसा समावेशन का मतलब नहीं। समावेशन का मतलब होता है सभी बच्चे का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है और साथ ही बैठाना है, तो 16 का आपका सी ऑप्शन बनेगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा किसका पालन करना चाहिए। क्रम मानकीकृत पाठ्यक्रम का, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का, विभेदित निर्देशात्मक सैनीय का, योगात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों कभी भी जो करा सीखने के लिए शिक्षक को किसका पालन करना चाहिए, तो कभी न कभी या योगात्मक मूल्यांकन का पालन नहीं करना है, किसका योगात्मक मूल्यांकन पालन नहीं करना, रचनात्मक मूल्यांकन का पालन करना है, किसका रचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों तो कभी भी जो हो मूल्यांकन करें तो हम रचनात्मक मूल्यांकन करें, योगात्मक मूल्यांकन ना करें, तो या तो गलत बनेगा। भी कर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, क्या आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र करेंगे, नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, नहीं दोस्तों। राइट ऑप्शन विभेदित जो है निर्देशात्मक श्रेणियों के माध्यम से आप सब बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे के बीच व्यक्ति भिन्नताएं हैं और उनको जरूरत है कि कुछ ना कुछ उसमें जो उनकी विविधता अंतर है उसको हम पूरा करते हुए शिक्षा शास्त्र देने की उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 17 का ऑप्शन संख्या सी बनेगा। 18 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन व वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। कौन सा इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें से बाधा उत्पन्न करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इसमें से निगेटिव है, वही हमें निगेटिव ढूंढना है। कौन सा निगेटिव है, कल लचीला पाठ्यक्रम, तो दोस्तों आप जानते हैं लचीला पाठ्यक्रम यह पॉजिटिव है, बाधा नहीं उत्पन्न करेगा।
गैर प्रासंगिक सामग्री, भाई साहब गैर प्रासंगिक सामग्री ही बाधा उत्पन्न करेगी। अगर हम प्रासंगिक सामग्री पढ़ाएंगे तो सही रहेगा भाई, तब तो बच्चे के हेल्प होगा। अगर सुविधाहीन वंचित समूह से बच्चा है उसको कूड़ा कचरा कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं तो ऐसा करेंगे तो दिक्कत है ना। तो दोस्तों ऐसा काम करिए कि बच्चे की एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे को सामान्य बनाने की कोशिश कीजिए, और यही चीज़ें गलत हैं तो यही चीज़ें आपकी राइट बनेगी। तो आपका बी ऑप्शन शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र सही है, व्यापक मूल्यांकन यह भी सही है। तो 18 का ऑप्शन संख्या आपका बी बन जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा मित्र, और सुविधाहीन व वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों। करा कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। तो बच्चा करा बच्चा सुविधाहीन है वंचित समूह से आता है तो उनको करे संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सभी बच्चों में यह लगे, जैसे बच्चा जब बच्चा दूर दराज से आ रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, वह एक समाज में पिछड़ा वर्ग का है, और जब क्लास में आए तो उसके बीच अगर मतभेद ना होगा, उसको हर बच्चे की तरह उसका भी रिस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा, तो उसको आने में अच्छा लगेगा, विद्यालय आएगा तो उसको अच्छा महसूस होगा कि मुझे सर ने बहुत अच्छे से जो पढ़ा रहे हैं और मुझे मतलब एक तरीके से समाज में जो निचले समूह हैं उसका हमें एतराज ना करते हुए चीज़ों को पढ़ा रहे हैं बेहतर, तो बच्चा रोज आएगा पढ़ने। कौन नहीं चाहता मेरा रिस्पेक्ट हो, भाई सब चाहते हैं रिस्पेक्ट हो, जब उसका रिस्पेक्ट होगा सम्मान होगा उसके विविधता का तो बच्चा आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्त आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन संख्या ए आपका करेक्ट बनेगा। आगे करा कि छात्रों की कमजोरी को उसके सामने उजागर करना। तो बच्चे में जो कमजोरी है सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बच्चा समझ नहीं आता है तो हल्ला काट देना चाहिए, कभी हल्ला काटेंगे तो बच्चा आया भाग जाएगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते दोस्त। करा कि इन छात्रों को एक अलग संकाय, तो दोस्त जब आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो आप जानते हैं समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देना है, तो किसी अलग संकाय में नहीं बैठाना भाई, अलग संकाय में बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बच्चे में हिंता का भी शिकार होगा, उसको लगेगा कि भाई हम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तभी हमको अलग बैठाया जा रहा है, बच्चे सामान्य सभी बच्चे के साथ क्यों नहीं बैठाया जा रहा है, तो इसका बच्चे का दिमाग पर मानसिकता पर असर पड़ेगा। तो सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो दोस्तों कभी नहीं मानकीकृत पाठ्यक्रम लचीला। तो राइट आंसर आपका 19 का ए ऑप्शन। 20 नंबर पर हम चर्चा करेंगे, करा समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित करता है, कौन किसके के अनुसार यथोचित करता है। करा अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, करा कि बी में करा स्कूल छात्र के जरूरतों के अनुसार, सी में करा है छात्र स्कूल के जरूरतों के अनुसार, डी में करा छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। दोस्तों समावेशी शिक्षक की अगर हम चर्चा करें तो जो स्कूल होगा वह छात्र के जरूरतों के हिसाब से चलेगा, तो कैसे स्कूल जो होगा छात्र की जरूरतों को पूरा करने वाला होगा, ना कि छात्र स्कूल की जरूरत को पूरा करेगा, स्कूल बच्चे के स्कूल जो होगा जो उसके विद्यालय होंगे वह बच्चे की जरूरत को पूरा करेंगे। तो अगर अभिभावक स्कूल की जरूरतों को, भाई अभिभावक पढ़ने जा रहा है नहीं, या तो नहीं बनेगा। स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार एकदम आपका राइट आंसर, मैंने छात्र स्कूल की जरूरत को नहीं पूरा करेगा, भाई छात्र क्यों करेगा, स्कूल को बदलना है छात्र वैसा ही रहेगा, छात्र शिक्षक की जरूरत, क्या शिक्षक की जरूरत को पूरा करने छात्र गया, नहीं दोस्त। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी। तो आप सभी को या समावेशी शिक्षा से या समझ में आया होगा इंक्लूशन एजुकेशन, इंक्लूशन एजुकेशन है इससे आपको समझ में आया होगा कि साथी किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके पेपर में कम से कम 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ और ध्यानपूर्वक आप पढ़ के जाइएगा दोस्त, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपके पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और अच्छा स्कोर आप करके आएंगे, बेहतर स्कोर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सिखाई जा रही हैं। तो ज़रूर आप मेहनत करके जाइए और प्रैक्टिस को अच्छे से देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए कि वाकई में खेल कहाँ हो रहा है, खेल कैसे बदल रहा है, कैसे सही हो रहा है, क्या सही तरीका है समझने का, क्या सही तरीका होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके से आपके दिमाग चलेंगे तो आप पक्के तौर पर अच्छा स्कोर करके ही आएंगे। आगे दोस्त हम बात करेंगे, अब आपके सामने जो दोस्त होने वाला है वह होगा अधिगम अक्षमता से। अधिगम अक्षमता की अगर चर्चा करें तो एक प्रश्न निश्चित है, चाहे आप प्राइमरी या जूनियर दोनों में देने जाएंगे तो एक ही प्रश्न हमेशा से पूछे गए, आपकी बार फिर आएंगे। तो करा दोस्त 21 नंबर के लिए, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है, राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस
विकास की ओर संकेत करता है। मांसपेशी दुर्विकार की तरफ, स्वाधीनता कर्म विकार की तरफ, गुड़ज वैखल या गत समन्वय। तो दोस्तों गत समन्वय तब होता है जब उसमें डिस्प्रेक्सिया मतलब कहीं ना कहीं वह एक्टिविटीज मतलब लिखने पढ़ने चलने फिरने में सब में बाधित हो जाए। तो इस तरीके से कोई चीज़ें नहीं होती गत समन्वय। गुड़ज वैखल जहाँ गणना संबंधी दिक्कत होता है नहीं है। स्वलीनता विकार जो बच्चा ऑटिज्म वाला एक बच्चा होता है जो अब बच्चा खुद में खोया होता है। आपने भी अपने विद्यालय में देखा होगा कि कुछ ऐसे एक दो बच्चे जरूर रहते रहे होंगे कि आते थे वह लास्ट में चीज़ें टाइम पर आते लास्ट टाइम पर आते और धीरे से कोने में जाकर बैठ जाते हैं, किसी बच्चे से बात ना करते, दिन भर वैसे न टीचर की बातों को सुनते थे सही तरीके न समझते थे, टीचर कुछ पूछते तो भी कुछ नहीं बताते पाते थे बेचारे। तो इस तरीके के बच्चे न बच्चों के साथ अंतःक्रिया सही तरीके से न कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पाता था। तो इस तरीके से बच्चा जो ऑटिज्म वाला बच्चा कहलाता पिछड़े बच्चे तो हो जाते हैं तो वही कर रहा है एक दूसरे के नेत्र संपर्क नहीं कर पाता। एक तरीके से जो आई कॉन्टैक्ट है एक तरीके से जो कम्युनिकेशन है आँख से आँख मिलाकर बात करने वाला वो नहीं कर पाता है। सारा दिन अकेले खेलता रहता पंख से ये सारी चीज़ें अपने में खोया रहता है ऐसा बच्चा स्वलीनता वाला कहलाता है। ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। कह कि पठन में कठिनाई जैसे अक्षरों का दर्पण छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसका अभिलक्षण है। कर अवधान न्यूनता असक्रियता विकार, कर गुड़ज वैकल वाचन या स्वलीनता। तो कर पठन में कठिनाई जैसे कि अक्षरों का दर्पण मतलब पढ़ने में दिक्कत है मतलब पढ़ नहीं पा रहा है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बी को डी डी को बी पढ़ने आदमी पढ़ने लगता है। तो कर छवि में जो पढ़ने में दिक्कत छवि भ्रम में उत्क्रमण करता है तो अवधान न्यूनता असक्रियता तब होता है जब उसे ध्यान नहीं मतलब पल पल में ध्यान भटक जाता है, कोई चीज पढ़ा ध्यान से भटक गया हट गया तो अवधान न्यूनता सक्रियता की बात नहीं बनेगा और इस तरीके से आपका ये चीजें गलत है। गुड़ज वैकल्य की बात करें गुड़ज वैकल्य नहीं गणना संबंधी यहाँ पर कोई बात नहीं है। राइट ऑप्शन होगा वाचन वैकल्य आपका सी ऑप्शन राइट होगा। स्वलीनता की बच्चा की बात करें जो अपने आप में लीन हो तो ऐसी बात नहीं दोस्तों आपका डी ऑप्शन भी नहीं है। स्वलीनता वाला अपने आप में लीन होता है राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर पर हम चलेंगे। करा एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या उल्टा कर देता है क्या कहलाता है। एक ऐसी दशा जिसमें बच्चा क्या करता है पढ़ते समय कुछ कर रहा है पढ़ते समय कुछ अक्षरों को शब्दों को हटा देता है मतलब पढ़ नहीं पाता सही से। करा वाचन वैकल्य स्वलीनता अधिगम असहायता या अवधान न्यूनता सक्रियता। तो अवधान न्यूनता सक्रियता तब होता जब ध्यान सही तरीके से ADHD वाला बच्चा पल पल मन में उसका ध्यान भटक जाता नहीं दोस्त अधिगम असहायता होगा नहीं स्वलीनता अपने आप में खोया रहता है तो सीधा बनेगा वाचन वैकल्य जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया इज द राइट ऑप्शन 23 का ये ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त। करा अक्षरों का अनुपयुक्त आकार अक्षरों का क्या अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी का भेदक किसका है मतलब कहीं ना कहीं करा अक्षरों का अनुपयुक्त आकार अक्षरों का अनुपयुक्त आकार है रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी का विभेद किसका होगा। गलत वर्तनी करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अक्षरों का अनुपयुक्त आकार बनाता है रिक्त प्रवाही मतलब सही तरीके से वह रिक्त प्रवाही होता है प्रिंट अक्षरों का मिश्रण कर देता है और इस तरह की गलत वर्तनी का विभेदक किसका कहलाएगा। तो दोस्त आपका है वाचन वैकल लेखन वैकल गुड़ज वैकल या उत्साह वैकल। तो दोस्तों अक्षरों का अनुपयुक्त आकार बात है कहीं ना कहीं बच्चा लिख नहीं पा रहा है अनुपयुक्त आकार की बात कर रहा है बच्चा जो जैसा होना चाहिए अनुपयुक्त की बात है तो अनुपयुक्त आकार है उपयुक्त नहीं है अनुपयुक्त आकार है रिक्त प्रवाही और पिंड जैसे मिश्रण है गलत वर्तनी का भी मतलब गलत तरीके से लिखता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वह क्या लेखन वैकल जिसे बोलते हैं डिसग्राफिया आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाचन वैकल होता है जब पढ़ने में दिक्कत होता है तो आगे देखिए गलत वर्तनी सिर्फ नहीं है अक्षरों का अनुपयुक्त आकार मतलब बना भी नहीं पा रहा है अक्षर को लिख भी नहीं पा रहा है जैसा लिखना चाहिए तो गुड़ज वैकल गणना संबंधी होता है उत्साह वैकल कुछ होता ही नहीं है राइट ऑप्शन आपका बी बनेगा। ADHD वाला बच्चा है मैंने आपको बताया ADHD को ध्यान भटक जाता है पल पल में ध्यान भटकेगा अपना उसका अपना जो एक तरीके से एकाग्रचित नहीं कर पाता है अपने आप को करें। निम्नलिखित में से अवधान कमी असक्रियता जो व्यतिक्रम है ADHD वाला बच्चा किस प्रकार की विशेषता दर्शाएगा। बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति तो चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो दोस्तों या चुपचाप बैठकर प्रवृत्ति नहीं करता है गलत होगा।
आसानी से विचलित होने की, एकदम सही है, बच्चा आसानी से क्या हो जाता है, उसका दिमाग भटक जाता है, उसका भटकाव बहुत ज़्यादा होता रहता है, और ऐसा आप कह सकते हैं आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है, राइट ऑप्शन होगा बी। करो दूसरों का ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाता है ADHD वाला, वह भटकता रहता है, अगर बिना रुके हुए लंबे गद्यांश पढ़ने की, तो भाई साहब या तो एकदम अच्छा लड़का है जो पढ़ बिना रुके बढ़े गद्यांश को, वह तो सही, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा राइट। तो दोस्त आपका पूरी तरीके से ऑप्शन संख्या बी बनेगा, क्योंकि ADHD वाला मैंने बताया कि विचलित हो जाता है, उसके अपने आप पर एकाग्रचित वाला एकाग्रता वाला चीज़ें खो देता है, 25 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर के लिए, करा कि दोस्त गुणज वैकल्य, क्या कर रहा है दोस्तों, वह आपसे कह रहा है गुणज वैकल्य की बात कर रहा है कि पहचान क्या है, गुणज वैकल्य की पहचान, तो गुणज वैकल्य की अगर हम पहचान की चर्चा करते हैं दोस्तों, वह कहा जाता है कि जिसे गणना संबंधी विकार होता है। अच्छा, गणना संबंधी अगर विकार होगा तो वही ऑप्शन में राइट होगा, जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। करा कि गणन कौशल क्षीणता, संख्याओं और गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, एकदम सही है, कारण कि गणन कौशल क्षीणता की बात करा, एकदम बात सही है, गणना संबंधित उसे दिक्कत है और इसीलिए ये ऑप्शन। अवधान असक्रियता आवेगशीलता में भाई साहब गुणज वैकल्य नहीं होता, उसमें अवधान जो न्यूनता की बात करें तो सही है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को नहीं कर पाता, ध्यान न्यूनता असक्रियता विकार होता है, गलत होगा। मौलिकता प्रवाह और लचीलापन की बात करें तो सृजनात्मकता में होता है, तो यह भी दोस्त आपका नहीं बनेगा, भाई सृजनात्मकता का लक्षण है। मांसपेशियों के संचालन गतिशीलता में परस्पर रूप से दिक्कत, परस्पर रूप से कठिनाई, तो ऐसा कठिनाई जिसको होता है डिस्प्रेक्सिया कहलाता है, जिसे गति समन्वय बोल सकते हैं, जिसमें डिस्प्रेक्सिया मतलब गति में सही तरीके से नहीं होता है, डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। और लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, गणना वाला पूछ रहा था, गुणज वैकल्य गणना संबंधी, तो गणना संबंधी ये ऑप्शन तो बनेगा ही। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 27 नंबर के लिए, 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा और दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। करें एक विद्यार्थी जिसमें ADHD अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है, तो ADHD वाला आ गया, जो समावेशित करने के लिए कौन सी विशेषता प्रभावशाली होगी, तो ADHD के लिए हम क्या काम करें जो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, ADHD है, ध्यान भटक रहा है, तो आप उसको कैसे कैसे कर सकते हो, उसका एक रास्ता है, उसको हम सही कर सकते हैं कि जहाँ वह उसको अच्छा लगता है बैठने में, जहाँ उसको आपको अपने आप को लगता हो कि भाई हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा महसूस फील कर रहा है, तो वहाँ पे बैठाइए, वहाँ पे अगर बैठाएंगे तो बच्चा कोशिश ज़्यादा एकाग्रचित जो एकाग्र करने की कोशिश अपने आप को करेगा, तो ऐसा कुछ कर। उच्च संरचना कक्षा जहाँ मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, मौखिक अनुदेश से होता है तो ऐसा ADHD वाले के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत होगा। कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते, एकदम सही भाई साहब, समय सारणी जो है लचीला, अपने आप से लचीला बैठने की व्यवस्था अपने रुचि के हिसाब से आप करिए, तो ऐसे बच्चे ADHD वाले सही तरीके धीरे होते जाएंगे, कैसे धीरे धीरे उनमें सुधार होता जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करते जाएंगे और आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन क्या बी। कक्षा जहाँ विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर, तो एक फिक्स सीट पर बैठाएंगे, अच्छा मान लीजिए उस बच्चे को उस सीट पर मजा ना आता हो, पढ़ने में अच्छा ना लगता हो, तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, आपके लिए लचीला होना चाहिए, जहाँ बच्चा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, जहाँ उसको लग रहा है कि हाँ मेरे अच्छा है, मुझे मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहां से मुझे बेटर कर पाएंगे, तो ऐसा काम आप सौंप दीजिए, तो इसीलिए दोस्त बी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन गलत है। कक्षा जहाँ अध्यापक कह रहा है कि उच्च चिंतन स्मरणीय कार्य अनुदेशन, तो जटिल उटिल जब देने लगेंगे तो जब भाई उसका ध्यान वैसे नहीं लग रहा तो और क्या लगेगा भाई, कठिनाई भरे चीज़ें देंगे तो अच्छे लोगों को पसंद नहीं है, तो फिर तो दिक्कत में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्त 28 नंबर के लिए, करें कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थी पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। मतलब भाई साहब पठन वैकल्य है, मतलब पढ़ने में दिक्कत है, जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया है बच्चे को और हमें पहचान करना है, तो पहचान हम कैसे करेंगे, कहें शब्दों की पहचान, विसंकेतक और वर्तनी में संघर्ष, कहें ध्यान ना केंद्रित कर पाना, असक्रियता आवेगशीलता, तो ADHD वाले में हो जाएगा, तो ADHD तो ये तो है, तो ADHD यह तो आपका भी ऑप्शन बनेगा। कहें मौलिकता प्रवाहशीलता लचीलापन, तो यह सृजनात्मकता का लक्षण है, किसका है सृजनात्मकता का लक्षण है, तो यह भी तो नहीं बनेगा। अगर हम दोस्त बात करें सी में, अगर मांसपेशियों के संचालन गति और समन्वय में कठिनाई, तो मांसपेशियों में चलना संचालन गति समन्वय में कठिनाई की बात करेंगे, तो ऐसा किसके लिए होता है, ऐसा दूसरे डिस्प्रेक्सिया वाले में होता है, किसको होता है
डिस्प्रेक्सिया वाले में होता है। कुछ को डिस्प्रेक्सिया वाले को, डिस्प्रेक्सिया वाले को होता है, और इसलिए दोस्त या गपित समन्वय में तो या भी नहीं बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा, बी ऑप्शन न सी ऑप्शन डी ऑप्शन। अच्छा अब आपसे कह रहा है वो पठन, तो पढ़ने में दिक्कत है तो आपसे यही बनेगा शब्दों की पहचान, विसंकेतक और वर्तनी में संघर्ष, संघर्ष करता बोलने में, पढ़ने में कठिनाई कर रहा है तो सीधा सा मतलब ये ऑप्शन बनेगा। 29 नंबर पर हम चलेंगे दोस्त, करा कि अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाते हैं, कम ध्यान तक मतलब ध्यान नहीं लगा पाता, फिर वही ADHD आ गया। तो अगर आवेगशीलता हो, निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता, अवधान न्यूनता असक्रियता, स्वलीनता मैंने मतलब अपने आप में खोया होता है, जिससे बाध्यता का कोई मतलब यहाँ नहीं है, और गुणज वैकल्य गणना संबंधी होता है तो गुणज वैकल्य बनेगा नहीं, दृश्य बाध्यता बनेगा नहीं, स्वलीनता अपने आप में खोए रहता है, और यहाँ पर देखा कम देर तक ध्यान, कम देर तक क्या ध्यान केंद्रित हो पाता है, आवेगशीलता होता है, निराशाओं के बीच कम सहिष्णुता हो, और ये सारी चीजें आपका अवधान न्यूनता सक्रियता, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, इसे आप ध्यानपूर्वक दोष देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आपका राइट आंसर बनेगा। बेहतरीन प्रश्न और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपका लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, और यह अधिगम क्षमता से प्रश्न है। करा पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, पठन वैफल का मतलब होता है डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया जहाँ होगा वही हमारा होगा। ध्यान प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ध्यान जो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, सही है ये धारा प्रवाह के साथ पढ़ने की अक्षमता होती है, क्षमता उसमें होती नहीं, ये ऑप्शन सीधा सा बनेगा। बी ऑप्शन एक ही गत विषय कार्य को बार बार दोहराना, तो बार बार दोहराना है ऐसा धारा प्रवाहिता में नहीं होता है। न्यून अवधान विकार तो ADHD में होता है जिससे ध्यान भटक जाता, अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तो यह तो सृजनात्मक चिंतन की बात, सृजनात्मक जो सृजनात्मक बालक है, तो यह भी नहीं दोस्त, न आपका डी न बी न सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। धारा प्रवाह में पढ़ने में अक्षमता होगा, पठन जिसे बोलते हैं, पठन वैपल को बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो इस तरीके से साथ ही बात करें, आपके सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला, 30 प्रश्नों की श्रृंखला, मैंने 3-10 प्रश्नों के 3 पार्ट थे, जिसमें से सबसे पहले हम सभी ने देखा दोस्त वह देखा NEPC थ्रू। NEPC आपके पेपर में एक प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं और आएंगे फिर से, तो चाहे आप प्राइमरी के फर्स्ट लेवल या सेकेंड पेपर की दोनों को तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर दोस्त बात करें आपके सामने है समावेशी, समावेशी से 3 प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे और एक प्रश्न आपके अधिकांश क्षमता से आएंगे। तो इस वीडियो के अगर थ्रू आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, पिछले वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में बनी है, उसमें जाके देखिए समझिए, तो इससे आपसे या समझ में आएगा साथी कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन वाकई में पूछे जाते हैं। वॉच कीजिए, समझिए, पढ़िए और पढ़ते चलिए, मेहनत करते हुए चलें, आप जरूर पास होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे दोस्त, क्योंकि बहुत कठिनाई नहीं है, बस अच्छे से आप कॉन्फिडेंस अपने आप को रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, करूँगा जरूर, ऐसा मुझ में है क्षमता, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें, बेहतर मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें और चीज़ें जरूर आपके लिए सरल होंगी और पास होंगे दोस्त अगली क्लास में। और सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी अच्छे से वीडियो तो वॉच कीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू।